हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अच्छा, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। कौन सा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। अच्छा देखो, मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इंट्री इस्लाम, जैसे ही इंडिया में इस्लाम की इंट्री होती है वहीं से मैडवल हिस्ट्री शुरू मानी जाती है। मैडवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू मानी जाती है? इंडिया में जैसे ही इस्लाम का आगमन होता है यानी इस्लाम की इंट्री होती है वहीं से मैडवल हिस्ट्री को क्या कहते हैं? शुरू मान लेते हैं। समझ में आया? अब देखो बात करते हैं मैडवल हिस्ट्री की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। मोहम्मद बिन कासिम कब आता है भारत में? 1712 में, 1712 ईस्वी में, ठीक, सॉरी 712 ईस्वी में इंडिया में आता है। और मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री से ही क्या बोलते हैं हम, इस्लाम का आगमन हो गया। दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन भारत का इतिहास कब से माना जाता है? जब भारत में इस्लाम का आगमन हो रहा है। ठीक, अभी दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करती हूँ लेकिन अभी यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इस्लाम का आगमन कैसे होता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम एंट्री मारता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम एंट्री मारता है। मोहम्मद बिन कासिम पूरा इंडिया नहीं आता है, मतलब यहाँ पे वो सिर्फ सिंधु रिवर है, अरब से सिंधु रिवर है। कौन सी रिवर? जिसे इंडस भी कहते हैं ना, तो सिंधु रिवर के पास वो आता है। हाँ, सिद्धू कहती थी, सिंधु रिवर है। और यहाँ पे बात करते हैं उस टाइम किसका शासन रहता है? दाहिरा नाम का एक राजा रहता है जिसका उस टाइम पे वहाँ पे रूल रहता है सिंधु रिवर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे वो एंट्री करता है, अटैक करता है और अटैक करके वहीं से वो वापस मुड़ जाता है। वो दिल्ली लाहौर यहाँ तक नहीं आता है। ठीक है, वो सिर्फ कहाँ तक अटैक करता है? सिंधु रिवर के पास अटैक करता है। और उस टाइम पे वहाँ पे कौन रूल कर रहा होता है? दाहिरा नाम का जो शासक है राजा वो वहाँ पे रूल कर रहा होता है। और यहीं पे अटैक करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस चला जाता है। अब देखो इसके बाद अगर हाँ दाहिरा से वो मतलब जितना लूटपाट कर सकता था उतना लूटपाट करने के बाद वो वापस चला जाता है। अगर मैं बात करती हूँ उसके बाद क्या स्टार्ट माना जाता है, देखो एक अगर मैं सच बोलूँ हिस्ट्री को लेके, सच बोलूँ अगर मैं, तो सच तो ये है कि इस्लाम की एंट्री इंडिया में जो हुई वो कहीं ना कहीं लूटने से ही शुरू हुई है। एग्जैक्टली सच तो यही है। वो हमारे जो थीसिस है वो अलग है, हमारे प्रॉफिट ने क्या कहा वो अलग मैटर है, लेकिन जो मुसलमान कहलाए और जिन्होंने इंडिया में इस्लाम को स्टेबल किया वो एक गलत वे में स्टेबल किया। हम जानते हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है, हम जानते हैं कि हमारी जो हॉली बुक है उस हॉली बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस्लाम को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया इंडिया में, क्योंकि जो उसको प्रेजेंट करने वाले थे उन्होंने एक गलत इफेक्ट दिखाया इंडिया में और इन्होंने यहाँ लूट से शुरू की। चाहे मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात करूँ, चाहे मैं गजनी की बात करूँ, अगर मैं मोहम्मद गजनी की बात करती हूँ तो मोहम्मद गजनी ने भी इंडिया में क्या किया? लूट पार्टी की है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड नाम आता है, दूसरा नाम क्या आता है? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी कहाँ का था भाई? गजनी का था। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी। अब जैसे लोग कहते हैं ना इलाहाबाद के, वो तो इलाहाबादी लगा दिया जाता है सरनेम में, लग मतलब आपके जुड़ जाता है ना वो चीज़, मुरादाबाद के मुरादाबादी लगा दिया जाता है आपके नाम के आगे, हाँ अकबर इलाहाबादी। तो ये गजनी का था, तो इसका नाम क्या पड़ गया? मोहम्मद गजनी। अच्छा, इसने सबसे पहला अटैक इंडिया पे कब किया है? 1000 ईस्वी में। इसने कब अटैक किया इंडिया पे? 1000 ईस्वी में किया। इसने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। कितनी बार? 17 बार गजनी ने इंडिया पे अटैक किया है। फर्स्ट अटैक कब किया है? 1000 ईस्वी में। उसके बाद 1027 ईस्वी में लास्ट माना जाता है, आखिरी 1027 ईस्वी में आखिरी सुल्तान पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला ये पहला व्यक्ति था जिसके नाम के साथ सुल्तान लगे। ये कौन था? गजनी ऐसा पहला इंसान था जिसके नाम के साथ क्या लगा? सुल्तान। तो सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
गजनी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप आंसर्स में बहुत हाईलाइट करके लिखते हो, और कई बार इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स में कि सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो उसका नाम था गजनी। और ये पद कैसे उसने धारण, ये एक उपाधि दी जाती थी, जैसे उपाधि दी जाती है ना कुछ अच्छा कर लो, जैसे मैंने कहा खुर्रम था, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई। शाहजहां का असली नाम क्या था? खुर्रम था। कौन शाहजहां? जिसने ताजमहल बनवाया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उसका रियल नेम क्या था? खुर्रम था। लेकिन उसको उपाधि क्या दी गई? वो जब दक्षिण के ज्यादातर राज्यों को जीत के आया, तो उसके जो उसके फादर थे जहांगीर ने उसको क्या नाम दिया? शाहजहां नाम दिया। तो ये एक उपाधि थी। तो उसी तरह सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? गजनी। गजनी जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की। इसने टोटल कितनी बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया। सोमनाथ मंदिर 1027 ईस्वी में उसका लास्ट अटैक था। टोटल 17 बार अटैक किया। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन है? गजनी था। सोमनाथ मंदिर जो सोने की मंदिर थी, किस देवता की मंदिर थी? सूर्य देवता की मंदिर थी वो। ठीक है, सूर्य देवता की मंदिर थी वो। ठीक है, कोणार्क। कोणार्क उड़ीसा। कोणार्क हाँ, ठीक है। वो इंडिया में लूटने आया था ना। अच्छा, इंडिया के दक्षिण तक वो लूट के गया इंडिया को। आगे तो चले आए। वो इंडिया के दक्षिण तक लूट के गया इंडिया को। सिर्फ देखो, गजनी का कोई ये सोच नहीं थी कि वो इंडिया में रूल करेगा या शासन करेगा, अपनी कोई डायनेस्टी स्टार्ट करेगा, उसने सब नहीं सोचा था। उसने सिर्फ क्या सोचा था? सिर्फ इंडिया में वो क्या कर सकता था? लूट सकता था। हमें सोने की चिड़िया कहा जाता है ना। इंडिया को क्या क्या नाम दिया जाता है? सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, इंडिया, जम्बूद्वीप, ये सब किसके नाम है? इंडिया के नाम है। तो सोने की चिड़िया में इंडिया को कहा जाता था। तो इंडिया को जो है गजनी क्या करने आया था? सिर्फ लूटने के लिए आया था। देखो, इंडिया में इस्लाम की एंट्री इसलिए वजह से भी हो पाई। देखो, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों की एंट्री कैसे हुई, उसी ना उसी तरीके से इंडिया में इस्लाम की भी एंट्री मानी जाती है। हमारे यहाँ जिसे कह सकते हो एकता नहीं थी, जब ब्रिटिशर्स आए तब भी नहीं थी, और जब इस्लाम की एंट्री हुई तब भी नहीं थी। यहाँ छोटी छोटी डायनेस्टीज अपने में ही उलझ रही थी, राजा महाराजा अपने में ही उलझ रहे थे। विदेशों से जो आक्रमण हो रहा उनको इससे कोई मतलब नहीं था। वो कह रहे हमारे पे थोड़ी ना हो रहा, जिस डायनेस्टी को लूट रहे हैं वो संभाले अपना। तो इस तरह करके जितनी भी लुटेरे यहाँ भारत में आए, उन्होंने फायदे से इंडिया को क्या किया? लूटा, अच्छे से लूटा। अब इसके बाद बात करते हैं कि सुल्तान पद की उपाधि धारण की, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। किसकी? गजनी की मृत्यु कब हो जाती है? 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखो, मैं कह रही हूँ 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, सिंधु रिवर के पास के राज्यों पर अटैक किया, जहाँ का रूलर कौन था? दाहिरा था। ठीक है, उसके बाद एंट्री होती है गजनी की। इंडिया में जब गजनी की एंट्री होती है तो ये टोटल कितनी बार अटैक करता है? 17 बार अटैक करता है। पहला अटैक वो करता है 1000 में, लास्ट अटैक करता है 1027 में। सुल्तान पद की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति रहता है, ठीक है, गजनी। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है गौरी की। किसकी एंट्री होती है? गौरी की। देखो, गौरी तो इंडिया में 1173 से ही अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे सक्सेस कब मिलती है? 1192 में। सक्सेस कब मिलती है? 1192 में। तराइन द्वितीय युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है, तराइन के दो युद्ध होते हैं। तराइन एक जगह है जहाँ पे वॉर होती है, किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान कौन? दिल्ली का रूलर, दिल्ली का जो शासक, दिल्ली का शासन, उसका दिल्ली तक पूरा एरिया रहता है, दिल्ली की गद्दी पर रहता है ना पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली की गद्दी। पूरा एक जगह थी, पूरा पूरा जो एंटायर की कैपिटल रहती है ना, वो क्या रहती है उसकी? दिल्ली रहती है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मोदी जी हैं हमारे, तो मोदी जी पूरे भारत के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन सब कुछ कहाँ से चला रहे हैं? दिल्ली से चला रहे हैं। तो पूरी के पूरा जो एंटायर था वो किसके हाथ में था? पृथ्वीराज चौहान के, चौहान के हाथ में था। पृथ्वीराज चौहान से दो वॉर होती है मोहम्मद गौरी की, एग्जैक्टली। तराइन प्रथम, तराइन द्वितीय, जिसका पूरा लेखा जोखा इतिहास में मिलता है। तराइन प्रथम जो होती है वो कब होती है? 1151 में, 1191 में जो तराइन प्रथम होती है, तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है वो कब होता है? 1191 में, जिसमें विजयी कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान।
ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पहले में विजयी होते हैं। तो इसमें पता एक बहुत अच्छी चीज़ है, कई सारी किताबों में लिखी हुई मिलती है कि मोहम्मद गौरी कसम खाता है अल्लाह की, प्रथम जो तराइन युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी अल्लाह की कसम खाता है पृथ्वीराज चौहान से कि वो दोबारा इंडिया पर अटैक नहीं करेगा, उसकी जान छोड़ दी जाए, वो वापस जाना चाहता है अपने राज्य। तो पृथ्वीराज चौहान उसे माफ़ करके भेज देते हैं, ठीक है। फिर एक साल बाद बंदा हाजिर हो जाता है लड़ाई करने के। किताबुल हिंद लिखी ना वो, तो अलबरूनी की, ठीक है। फिर वो एक साल बाद क्या हो जाता है, आ जाता है कसम भूल तोड़ ताड़ के, भूल भाल के कह सकती हो लुटेरा था ना एक तरह से कह सकते हो। गौरी को हम क्या कहते हैं, लुटेरा ही तो कहते हैं। गौरी गौर का रहने वाला था, जैसे गजनवी गजनी का था तो उसके नाम के साथ क्या है, गौर एक जगह है, कहाँ की, अफगानिस्तान की, ठीक है। तो अफगानिस्तान में गौर का रहने वाला था वो, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गौरी पड़ा। गौर का रहने वाला था इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, गौरी पड़ा, मोहम्मद गौरी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ गजनी का रहने वाला था गजनवी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, गजनवी पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तराइन के दो युद्ध हुए, पहला और दूसरा। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी है, ये कसम वसम खाता है गौरी की अब मैं इंडिया पे अटैक नहीं करूंगा, लेकिन फिर एक साल के बाद तराइन द्वितीय हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, गौरी जीत जाता है। तराइन द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 में, उसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब यहीं से ये टर्निंग पॉइंट होती है और इंडिया में इस्लाम कहीं ना कहीं एक डायनेस्टी के तौर पर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि गौरी यहाँ पे रूल करना चाहता है। गौरी गजनवी या मोहम्मद बिन कासिम की तरह अटैक करके भागना नहीं चाहती, सिर्फ लूट के वो भागना नहीं चाहता, वो अपने राज्य को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो वो इंडिया में क्या करता है, खुद तो नहीं रह सकता था क्योंकि गौर उसका ऑलरेडी अफगानिस्तान में, गौर नाम की जगह जहाँ पे उसका ऑलरेडी रूल चल रहा है, तो वहाँ वापस जाता है। रास्ते में उसकी मौत हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में वो क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार को किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने सेनापति, अपने जो है गौरी का सेनापति रहता है उसका क्या नाम रहता है, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको क्या करता है वो इंडिया में छोड़ के चला जाता है। कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक किसको बनाता है, लाहौर को। राजधानी किसको बनाता है, लाहौर को। दिल्ली अभी नहीं बनी, अभी कैपिटल क्या है, लाहौर है। अरे अभी मैं कब की बात कर रही हूँ, पता है वही पूछ रही हूँ। हाँ, उस टाइम पे देखो कोई भी राजा होता है, जो रूलर होता है, वो एक ना एक राजधानी बनाएगा, कैपिटल बनाएगा, क्योंकि बिना कैपिटल बनाए वो रूल नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन, मोहम्मद गौरी का सेनापति, चीफ ऑफ आर्मी, लेकिन साथ ही साथ उसका गुलाम भी था। गुलाम उस टाइम पे जानते हो ना, लोगों को खरीदने और बेचने का चलन था, खरीदा और बेचा जाता था लोगों को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और उसका चीफ ऑफ आर्मी भी था, सेनापति भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को वो छोड़ के यहाँ से चला जाता है। अब देखो क्या होता है, 1206 में ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की जाते वापस आता है, फिर वापस जाने के बाद उसकी क्या होती है, रास्ते में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें दिखाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मारता है, ये बिल्कुल गलत है। अभी कुछ टाइम के पहले, शायद साल वाल भर पहले ही मूवी है, नहीं मुझे नहीं, एक हिस्टोरिकल मूवी थी, जो भी थी उस हिस्टोरिकल मूवी में दिखाया गया था कि पृथ्वीराज चौहान ही मोहम्मद गौरी को मारते अपना बदला लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मोहम्मद गौरी एक विद्रोह में, कुछ जाट हिंदू रहते हैं जो उसको मार देते हैं, उसमें पृथ्वीराज चौहान का कोई रोल नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि 1206 में किसकी मौत हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। अब देखो जब मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है 1206 में, कब होती है मौत, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है, तो इसका जो सेनापति रहता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका सेनापति रहता है और गुलाम भी रहता है, किसका गुलाम रहता है, मोहम्मद गौरी का। अब उसको पता है गौर जो गौरी है वो मर चुका है, गौरी
मर गया, तो अब वो क्या करता है, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देता है, आजाद, कि अब वो किसी का चीफ ऑफ आर्मी नहीं है, किसी का कोई गुलाम नहीं है, बल्कि वो खुद राजा है। कहाँ का? इंडिया का। इंडिया का जो एरिया गौरी ने लूटा है या जिसपे अपना कब्जा जमाया हुआ है, उसका राजा कौन है? कुतुबुद्दीन डिक्लेयर कर देता है 1206 में कि वो खुद राजा है, और वो एक डायनेस्टी बनाता है जिस डायनेस्टी का नाम देता है गुलाम वंश। गुलाम वंश उसे ये क्यों नाम देता है? क्योंकि वो खुद गुलाम रहता है। वफादार नहीं, उसने इस वो खुद गुलाम कर गुलामी करवा रहे, इसलिए गुलाम वंश। उसने नाम क्या दिया इस वंश का? गुलाम वंश। अब ये कब स्टार्ट हुआ? 1206 में। गुलाम वंश कब स्टार्ट होता है? 1206। जैसे ही गौरी की मृत्यु हुई, गुलाम डायनेस्टी स्टार्ट मानी जाती है। पहला रूलर कौन, पहला राजा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पूछा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 6 में। देखो मैं बात करती हूँ, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं। दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज हैं? 5 डायनेस्टीज हैं। एक ट्रिक मैं बताऊं, एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। देखो दो प्रेमी रहते हैं, कितने प्रेमी रहते हैं? दो। अब एक प्रेमी प्रेमिका दो ही तो होते हैं, ऑफकोर्स ट्राइंगल हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, दो रहते हैं। तो वो दोनों क्या कहते हैं? कहते हैं हम तुम मिलेंगे, दो प्रेमी रहते हैं, हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे। क्या होगा? गुल खिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे, ठीक। तुम याद रखना इस बात को, याद रखना इस बात को, तुम याद रखना इस बात को और लौट आना। मतलब दो प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका, वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, हम लोग के प्रोफेसर्स ने बताई थी हम लोगों को, हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे, तुम याद रखना इस बात को और लौट आना। तो यहाँ पे 5 डायनेस्टीज हैं इस ट्रिक में और लाइन से हैं। देखो हिस्ट्री में याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ऑर्डर में याद है ये बहुत बड़ी बात, लाइन वाइज याद है, आप बीच से जंबल नहीं कर रहे हो, तब सब गड़बड़ हो जाता है। जब आपने जंबल कर दिया ना, तो मामला सारा हिस्ट्री में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। हिस्ट्री में सारा का सारा खेल तारीखों का होता है, डेट गड़बड़ हुई कि सब कुछ गया। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, ज्योग्राफी की तरह या साइंस की तरह। तो अगर मैं बात करती हूँ कि ये ट्रिक है, हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे, तुम याद रखना इस बात को लौटाना, गुल गुलाम वंश। यहाँ पे मैं डायनेस्टी बता रही हूँ, गुल गुलाम वंश, गुलाम के बाद यहाँ पे खिलेंगे, खिलजी, खिलजी वंश, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। अभी मैं बताऊंगी ना, तुम याद रखना, तुम तुगलक, तुम से तुगलक, याद रखना सैयद डायनेस्टी, सैयद याद रखना, सैयद डायनेस्टी। एक ट्रिक ली गई है, पूरा का पूरा वर्ड तुम्हें नहीं मिलेगा यहाँ पे। लौट आना लोदी, 5 डायनेस्टी हो गई इस एक दो लाइन में आपको, और ऑर्डर में है, जो जिसके बाद आ रही है वो वैसे ही है। तो इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें पूरी जिंदगी लाइन से डायनेस्टी है। खिलजी बहुत सिंपल है, हमारी ट्रिक क्या है, दो प्रेमी थे, दोनों प्रेमी आपस में बात कर रहे हैं, तो भाई बात करेंगे तो दो प्रेमी ये बात तो करेंगे नहीं कि बात मौसम के बारे में, अब भाई अपने प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, मिलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आईएएस पीसीएस की तैयारी तो कर नहीं रहे कि पूछेंगे नोट्स मिली कि नहीं मिली। तो यहाँ पे दो प्रेमी हैं और दो प्रेमी जब मिल रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो गुल खिलेंगे, तुम याद रखना इस बात को और लौट आना, तुम याद रखना इस बात को और लौट आना। तो गुल से हो गया गुलाम, गुल से हो गया गुलाम, खिलेंगे से हो गया खिलजी, तुम से हो गया तुगलक, याद रखना से हो गया सैयद, लौट आना से हो गया लोदी। सारी डायनेस्टीज हो गई हमारी। बात करते हैं गुलाम वंश जो डायनेस्टीज है उसका संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, खिलजी डायनेस्टी का जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, तुम तुगलक, तुगलक कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। याद रखना, बट अभी वो आएगा, वो टर्न आएगा, अभी पहले एक डायनेस्टी तो खत्म हो जाए, अभी एक डायनेस्टी सही से शुरू भी नहीं हुई है हमारी। याद रखना सैयद खिरज खां, ठीक है। उसके बाद आता है लौट आना लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल
लोदी, बहलोल लोदी। ये सब का कहीं ना कहीं किसी कास्ट से जरूर संबंध है। सैयद लोग होते हैं, सैयद भी कास्ट होती है। वो एक डायनेस्टी का नाम इन्होंने दिया है, लोदी है, सैयद है। जैसे मैंने कहा मुगल आए तो मुगलों का एक दौर चला, मुगल एक दौर चला मुगलों का, ठीक है। तो मुगल जो आए वो कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं कि वो चंगेज खान से रिलेटेड है। वो किससे है? चंगेज खान। लेकिन पता है चंगेज खान के बारे में लोगों को एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है कि चंगेज खान मुसलमान था। एक्चुअल में चंगेज खान मुसलमान नहीं था। उसका असली नाम पता है क्या था? तैमुचिन नाम था उसका। चंगेज खान का रियल नेम क्या था? तैमुचिन नाम था। और तैमुचिन जो था इसका 1163 में जन्म हुआ है। जो चंगेज खान, इसका जन्म कब हुआ है? 1163 में। चंगेज खान एक टाइटल उसे दिया गया था, वो बहुत ब्रेव था। मतलब जहां चंगेजी खाना चौरा था चंगेज खान, उसे एक टाइटल दिया गया था। चंगेज खान क्या दिया गया था? टाइटल। तो बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि वो क्या था, मुसलमान था। चंगेज खान मुसलमान नहीं था। उसका इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं माना जाता है। तो चंगेज खान मुसलमान नहीं था। वो पता है किसकी पूजा करता था? वो आसमान की पूजा करता था। वो जिस धर्म को मानता था उस धर्म में आसमान की पूजा होती थी। लेकिन ये कहा जाता है कि वो कट्टरवादी नहीं था। किसी धर्म को लेकर उसमें कोई कट्टरता नहीं थी। और ये पता है सबसे बड़ी वजह थी उसकी, सबसे बड़ी आर्मी की और जीतने की उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो किसी धर्म को लेकर कट्टर नहीं था। वो हर धर्म को, अगर उसकी कोई आर्मी में कोई दूसरे धर्म को मानता था, वो तो ये नहीं कहता था कि ज़बरदस्ती मेरे धर्म को मानो। उसने धर्म को लेके हमेशा आज़ादी अपनाई कि जो जिस धर्म में जाना चाहता है। धर्म की वही थे? नहीं नहीं, यहाँ पे चंगेज खान की एंट्री होती है 1163 में दुनिया में। यानी उसका जो जन्म है वो कब हुआ है? 1163 में। और उस टाइम पे इंडिया में क्या मैटर चल रहा था? हाँ, उस टाइम पे 1163 गौरी का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं है ना। तो चंगेज खान जब धीरे धीरे जवान होता है, अपनी एज पे एक अच्छी खासी उम्र पे आता है, तो इंडिया में कौन